जाना समझो ना आउट, भूल भुलैया तीन का गाना, जाना समझो ना रिलीज, कार्तिक तृप्ति की केमिस्ट्री जीत रही दिल। हर गुजरते दिन के साथ कार्तिक आर्यन, तृप्ति डिमरी स्टारा, भूल भुलैया तीन का इंतजार कम होता जा रहा है और फैंस इस बात को लेकर बेहद उत्साहित हैं। फिल्म के निर्माता और इसके सितारे ये सुनिश्चित करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं कि फिल्म हिट हो जाए। मूवी का प्रमोशन जोरों शोरों से जारी है। इसी बीच फिल्म के निर्माताओं ने इसका नया गाना जारी कर दिया है, जिसमें कार्तिक आर्यन और तृप्ति डिमरी की केमिस्ट्री देखते ही बन रही है। अगर आप पहली बार चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन दबा दे ताकि आप लोग को नया अपडेट मिलता रहे। आज फिल्म के निर्माताओं ने फिल्म से बहुप्रतीक्षित ट्रैक जारी कर दिया है। इस ट्रैक का नाम जाना समझो ना रखा गया है। ट्रैक में फिल्म की प्रमुख जोड़ी कार्तिक आर्यन और तृप्ति डिमरी का रोमांटिक अंदाज देखने को मिल रहा है। ट्रैक की सिनेमेटोग्राफी बिल्कुल शीर्ष श्रेणी की है। गाने के स्थानों के लिए भी यही स्थिति है, जो गति में किसी सपने से कम नहीं है। जहां तक गाने जाना समझो ना के क्रेडिट की बात है, तो इस ट्रैक को आदित्य रिखारी और तुलसी कुमार ने गाया है, जबकि इसके बोल आदित्य रिखारी ने लिखे हैं। म्यूजिक वीडियो को बॉस्को सीजा ने कोरियोग्राफ किया है। गाने के सोशल मीडिया पर रिलीज होने के बाद से ही दर्शक इस पर अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। एक यूजर ने लिखा, कार्तिक आर्यन हर किरदार को यादगार बना देते हैं। आदित्य रिखारी का गाना वाह। गाने पर प्रतिक्रिया देते हुए दूसरे यूजर ने लिखा, प्रशंसकों से जुड़ने की कार्तिक की क्षमता अद्भुत है। मुझे ये गाना बहुत पसंद आया है, जिसे मैंने 10 बार देखा, यह अब भी वही वाइब देता है। वहीं एक अन्य यूजर लिखते हैं, आदित्य रिखारी को वो प्रसिद्धि मिलते देखकर बहुत खुशी हुई जिसके वह हकदार हैं। कार्तिक की एनर्जी काबिले तारीफ है। कार्तिक हमेशा मुझे आश्चर्यचकित करते हैं। जहां तक फिल्म भूल भुलैया तीन की बात है, तो इस फिल्म में कार्तिक आर्यन और तृप्ति डिमरी के अलावा विद्या बालन, माधुरी दीक्षित और विजय राज, राजपाल यादव, संजय मिश्रा, अश्विनी कालसेकर और राजेश शर्मा भी शामिल हैं। ये फिल्म 1 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होने के लिए तैयार है।